इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स ऑन द अर्थ जो मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स हैं जो अभी तक हमने अगर किंगडम प्लांटे अच्छे से देखा है आपने तो आपने देखा होगा कि सबसे एडवांस जो प्लांट्स हैं उन्हें हमने बोला है एनजियो स्पम्प्स इनके अंदर कुछ करेक्टर्स हैं जो इन्हें एडवांस बनाते हैं एक तो हम वो पढ़ेंगे अभी कि एनजियोस्पम्प्स में जो करैक्टर्स हैं वो क्या हैं जो इन्हें एडवांस बनाते हैं जो इनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे हम फ्लार कहते हैं हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि उसके डिफरेंट पार्ट्स के हैं और फ्लार है वो कैसे डिफर करता है जो कि बाकी में जैसे जिम्नोसपम्प्स के कौनस हैं और उन सब से, सो so, एनजीओ के करेक्टर पढ़ते हैं आफ्टर दैट फ्लार का स्ट्रक्चर देखेंगे सो so, हमारे आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है एनजीओ अब एनजियोस्पाम्स हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी हमारी क्लासिफिकेशन है जो भी हमारा ग्रुप है उसका जो नाम रखा गया है वो है ड्यू टू सम ऑफ समीट्स करेक्टर्स स्पम्स तो हम यहाँ से देख सकते हैं जैसे कि हमने फेनरोगैमी में पढ़ा कि उसमें दो प्लांट्स आते हैं दो टाइप के ग्रुप्स हैं प्लांट्स के वन इज जिम्नोस्पामी एंड अनदर इज़ एनजियोस्पामी जहाँ ये स्पर्मी वर्ड है जो स्पर्मी वर्ड है वो यहाँ पे मैंशन कर रहा है हमें अबाउट सीड्स तो इसका ग्रीक में मीनिंग है सीड्स तो यहाँ पे ये तो हमें सीड्स दिखा रहा है और जो एनजीओ वर्ड है ये वर्ड आया है फ्रॉम दी ग्रीक वर्ड जिसे हम कहते हैं एनजीओन जिसका मतलब होता है सो so, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सीड्स मिलती हैं और जिनके अंदर वेसल्स होते हैं वेस्कुलर सिस्टम में मिनरल्स और वाटर की कंडक्शन के लिए और फूड की कंडक्शन के लिए उसे हमने बोल दिया एनजीओ स्पम्प अब इनके मेन जो करेक्टर है जिस वजह से इन्हें फेनरोगेम में रखा वो था प्रेजेंस ऑफ सीड्स तो इनके पास एक तो सीड्स प्रेजेंट होंगे और जो इनको जिम्नोस्पाम से अलग करता है वो करेक्टर ये है कि इनके जो सीड्स हैं वो एनक्लोज होते हैं इनके सीड्स हैं वो कवर्ड होते हैं एक और कवरिंग uh, से जिसे हम बोल देते हैं फ्रूट सो so, इनका जो फर्स्ट करेक्टर है वो है क्लोज सीड्स सो ये सीड्स कवर्ड है ये सीड कोट की बेसिकली बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है कि ये कवर्ड है विद अ फ्रूट हमने देखा कि जिम्नोसफॉम्स में सीड्स बनते हैं उन पर सीड कोट प्रेजेंट होता है पर उनके अंदर कोई फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है तो वो हमें यहाँ पे मिलता है उसके बाद इनमें जो करेक्टर्स है मेन है वो है प्रेजेंस ऑफ एडवांस्ड वेस्कुलर सिस्टम सो दे हैव तो इसके अंदर क्या है हमने पढ़ा कि जिम्नोस्पॉम्स में कुछ ऐसे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं लाइक जाइलम है फिलोयम like है, है वो टिश्यूज हमें वहाँ पे भी मिले बट उनके अंदर कुछ सेल्स थे पर्टिकुलरली जो कि मिसिंग थे जो कि हमें एडवांस वेस्कुलर सिस्टम जो हम एनजोस्पॉम्स में दिखते हैं उसमें मिलते हैं इनके अंदर हमें जाइलम में वेसल्स मिलते हैं और जो कंपेनियन सेल्स हैं वो भी मिसिंग होते हैं वहाँ पे तो वो यहाँ पे हमें मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं जो यहाँ पे सेल्स हमें मिलते हैं वो है कंपेनियन सेल्स और वहां पर जो मिसिंग सेल्स की जगह है कंपेनियन सेल्स की जगह जो सेल्स उन्हें बोलते हैं एल्ब्यूमिन सेल्स तो यहाँ पे हमें कंपेनियन सेल्स भी मिलते हैं फ्लोइम में और यहाँ पे हमें जाइलम के अंदर मिलते हैं वे अब जाइलम और फिलोयम क्या है जो जाइलम एंड फिलोयम है ये टिश्यूज हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ये तो टीशूज हैं ये कंडक्शन में, में हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल की विद इन द प्लांट और डिफरेंट पार्ट्स में उन्हें हेल्प करते हैं टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मिनरल्स एंड वाटर तो उसके लिए क्या है इजाइलम जो हमारे पास है ये डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट सेल्स का बना होता है तो ये कॉम्प्लेक्स क्यों है क्योंकि डिफरेंट टाइप के सेल्स का बना होता है वो सेल्स कौन से कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं दीज आर ट्रैकिड्स वेसल्स फाइबर्स एंड जो लास्टली हमारे पास है वो होते हैं पेरनकाइमा और जो इसमें फ्लोएम हमारे पास टिश्यू है उसके जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो हमारे पास होते हैं फ्लोए में हमारे पास है सीव सेल्स सीव ट्यूब सेल्स कंपेनियन सेल्स फाइबर्स एंड पैरनकाइमा अब बात यह है कि जो दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं ये एक ही काम नहीं करते हैं इनमें सिर्फ वाटर का सर्कुलेशन नहीं कर रहा है फ्लोएम का जो काम है वो है फूड की कंडक्शन का फ्लोएम है वो फूड को ले जाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में तो ये ट्रांसलोकेट करता है फूड को और जाइलम है वो मिनरल्स और वाटर की कंडक्शन में हेल्प करता है तो ये है बेसिकली एडवांस जो वेस्कुलर सिस्टम है जो हम कह रहे थे कि एनजिस पम्प में एडवांस्ड है तो उनकी ये फीचर्स हैं कि किमें इस टाइप के सेल्स हैं और ये हेल्प करते हैं डिफरेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन विद इन द प्लांट्स आफ्टर दैट इनके बारे में हमारे पास मेन बात क्या है कि इन प्लांट्स के अंदर हमें मिलते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर जिन्हें हम बोलते हैं फ्लार जो फ्लार है वो बेसिकली क्या है जो फ्लार्स हैं वो बनते हैं बाय द एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल 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 द वर्ड इज तो ये लिखते हैं हम जो स्पोरोफिल बाय एग्रीगेशन फॉर्म फ्लारो so, ये क्या करते हैं ये बनाते हैं स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं फ्लार स्पोरोफिल्स क्या होते हैं स्पोरोफिल्स वो लीव्स होते हैं फिल वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं फॉर लीव्स जिन ऐसी लीव्स जिनके क्या होते हैं ऊपर है स्पोर्स प्रेजेंट हो ऐसी लीव्स जिनके ऊपर स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरेंजिया उन स्पोरेंजिया के अंदर हमें मिलते हैं स्पोर्स जो कि इनको रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं

ये इसकी डिफरेंट पेटल हो जाती है फ्लार के अंदर हमारे पास बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है जो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं जो इसमें रेड कलर से मैंने शो किया है इन्हें हम बोलते हैं पेटल्स सो so, इन्हें हम बोलते हैं पेटल्स ये हमारे पास हैं पेटल्स और ये जो ब्लू से मैंने शो की है ये होती हैं कार्पल्स सॉरी सेपल्स सो so, यहाँ पे हमारे पास क्या है जो कलर्ड पार्ट है फ्लावर का वो जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पर कलर्ड होते हैं उन्हें पेटल्स बोला है और जो ग्रीन कलर के नीचे लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हमने बोला है सैपल्स जिस ब्रांच uh, से ये अटैच होती है uh, जिस ब्रांच से ये जिस के थ्रू अटैच होती है उसे हम बोलते हैं पेडिसल अच्छा ये जो पार्ट है ये है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो ये जो हमारे पास पार्ट है पूरा इसे हमने बोला है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और जो ये हमारे पास पार्ट है इसे हमने बोला है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये हमारे पास फीमेल हो जाता है और ये हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी अदर पार्ट्स का बना होता है इसके अंदर बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट होता है स्टिग्मा इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा इसे हम बोलते हैं स्टाइल और ये हमारे पास होती है ओवरी है स्टिग्मा ये स्टाइल ये है ओवरी और ये जो स्ट्रक्चर है जो कि मेल का है इसे हम बोलते हैं एंथर और जो ये स्ट्रक्चर है फिलामेंट तो ये है बेसिकली फ्लावर का स्ट्रक्चर जो फ्लावर है उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं तो इसके अंदर बेसिकली हमने देखा कि जो कलर पार्ट है उसे पेटल्स बोलते हैं और जो नीचे हमारे पास ग्रीन कलर पार्ट होता है उसको हमने सेपल्स बोला है जो नीचे जिस स्टिक uh, से अटैच होता है टू दैट ऑफ द ब्रांचेस उसको हमने पेडिसल बोला है उसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो बेसिकली स्पोरोफिल जो होता था, जो हमने और है कंटेन करती है उसे हमने मैगा बोला था तो यहाँ पे जो मैगापोरो है वो यहाँ पर हमारे पास क्या है कार्पल बना देती है कार्पल में मॉडिफाई हो गया है जिसके तीन पार्ट हैं ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा और जो हमारे पास माइक्रो स्पोरोफिल थी वो कन्वर्ट हो गई है इन टू एंथर अब क्या होता है बेसिकली ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और एंथर्स के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन जो हमारी पोल हैं यहाँ से रिलीज होती हैं और रिलीज होकर वो बैठती है स्टिग्मा पर स्टिग्मा के थ्रू वो पोलिनेशन के थ्रू क्या करती हैं ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करते हैं और आगे हमारे पास क्या बनता है एम्ब्रियो वो जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो जैसे कि हमने जिम्नोसप में पढ़ा था कि एम्ब्रिय के साथ कुछ फूड प्रेजेंट होता है ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स के जो सीड्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो प्लस उनके अंदर फूड है नरिशमेंट के लिए उसे हम बोलते हैं कॉटेलिडेंट सो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है हमारे पास फ्लार का जिसके हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो बात है वो ये है कि इनके अंदर जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं जो एक फ्लार है इज़ consist of petals sepals then carpel then हमारे पास आता है androecium और carpel को हम gynoecium भी बोल देते हैं और इसको बोलते हैं मेल पार्ट को androecium एंड्रोशियम so, हमारा है मेल जो पार्ट है इसके अंदर फिलामेंट प्लस एंथर और जो हमारा गाइनोशियम है वो है कार्पल विच इज ओवरी स्टाइल एंड स्टिगमा सो इसके ये हमारे पास पेटल्स हैं सेप्पल हैं कार्पल है एंड्रोशियम है हमारे पास पेडिसल भी है फॉर दे अटैचमेंट सो ये डिफरेंट पार्ट होते हैं एक फ्लावर के अंदर अब एक और बात ये है कि जो सेपल्स है और पेटल्स हैं ये कुछ प्लांट्स के अंदर इनका जो कलर होता है वो सेम होता है मतलब इनमें डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है तो उस चीज को हम कह देते हैं पेरियंथ सो इफ इफ पेटल्स एंड सेपल्स आर सिमिलर आर डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश उसे हमने बोला है पेरियंथ तो उसे हम बोल देते हैं तो ये है बेसिकली स्ट्रक्चर फ्लावर का जो कि हमने में देखा देखा है है इसमें हमने देखा है, स्पोरोफिल्स हैं हैं वो मॉडिफाई हो गई आके और उसके बाद हमारे पास इनके अंदर पोलिनेशन का प्रोसेस होता है अब एंथर से जो पोलन है वो विंड के थ्रू इंसेक्ट्स के थ्रू डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेट कर कर कहा पहुंचती है स्टिग्मा के ऊपर जहां से वो क्या करती है एक पोलन ट्यूब रिलीज करती है पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होता है मेल जो हमारे पास क्या है मेल जो गीट होता है वो एंटर करता है ओवरी में और वहां वो ओव्यूल के साथ क्या करता है फर्टिलाइजेशन एंड फाइनली उनमें बनता है एम्ब्रियो एम्ब्रियो प्लस कोटेलीडन होते हैं जिन सीड्स में वो होते हैं जिस एंजियपमिक प्लांट्स के तो इनके अंदर जो सीड्स हैं सीड्स हैं बेसिकली वो क्या होते हैं एम्ब्रियो प्लस कोटेलीडन सो so, जो एम्ब्रियो है और जो कॉटेलिडन है उसका नरिशमेंट फूड है इनके बेसिस पे भी हमने एनजियपॉम्प को दो में डिवाइड किया हुआ है अगर उन एनजस्पॉम्प के सीड्स में सिंगल कॉटेलिडन है तो उनको हमने बोला है मोनो कॉर्टेलिडन और अगर उनके सीड्स में प्रेजेंट है टू कॉर्टेलीडन देन हमने उन्हें बोला है डाई कॉटेलिडन तो ये है ऑल अबाउट कि जो एनजियपॉम्प है सबसे एडवांस्ड जो हमने प्लांट्स बोले हैं उनके बारे में इसे एक बार रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इनके बारे में और क्या इन्हें मोर इवॉल्व्ड बनाता है ये जो एनजीओ स्पॉम्स हैं उनके बारे में हमने नाम ही पहले समझा इनका नाम ये है कि एनजियो जो मतलब है उसका मतलब होता है ग्रीक में वेसिल्स और जो स्प है उसका मतलब होता है सीड्स तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम है प्लस जिनके पास सीड्स प्रेजेंट हैं उनको हमने एनजीओ स्पॉम्स कह दिया इनकी जो मेन फीचर है जो इन्हें जिम्नोस्पॉम्प से अलग करती है वो है प्रेजेंस ऑफ कवर्ड सीड्स इनके जो सीड्स कवर्ड होते हैं वो होते हैं बाय द फ्रूट्स उसके बाद हमारे पास क्या है जो फ्रूट्स हैं वो कब बनते हैं ये बनते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब पोलन ग्रेन और ओव्यूल के बीच में फर्टिलाइजेशन होती है जो मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट है वो आपस में फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाते हैं फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से जो स्ट्रक्चर बनेगा जो ओवरी है उस टाइम पे वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो वहां से हमारे पास बनता है फ्रूट जो कि कवर कर रहा होता है बेसिकली सीड को और हम कहते हैं जैसे ओव्यूल को कवर कर रही होती है ओवरी उसके बाद हमारे पास है इनके बाद वैस्कुलर सिस्टम में हमने पढ़ा कि दो टाइप के टिश्यूज हैं वन जाइलम एंड वन इज फ्लोइम वैसेल्स हैं वो जिम्नोस में मिसिंग थे तो वही इनमें मिल जाते हैं हमें फ्लोइम है उसके अंदर हमारे पास चार टाइप के सेल्स होते हैं ऐसे ही जाइलम में है वो चारों के चारों के जो हमें टाइप्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिले कि इन जिस में चारों टाइप मिलेंगे आफ्टर दैट हमारे पास ये है कि इनके पास स्पोरोफिल के बारे में हमने पढ़ा स्पोरोफिल हमने कहा ऐसी लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो और उन स्पेरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं स्पोर जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाती है स्पोरोफिल्स की उनकी एग्रीगेशन से और वो बना देते हैं फ्लार जो फ्लार है उसका हमने बेसिक सारा स्ट्रक्चर पढ़ा कि क्या क्या उनके अंदर प्रेजेंट होता है एक फ्लार के अंदर जो कलर्ड पार्ट है उसे हमने पेटल्स बोला है और जो ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसे हमने बोला है सैपल्स जो इनका फीमेल पार्ट है वो डिवाइड होता है इनटू ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा और जो इनका मेल रिप्रोडक्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो डिवाइड होता है इनटू फिलामेंट एंड एंथर हमने पढ़ा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम बोल देते हैं एंड्रोशियम और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम बोल देते हैं गाइनोशियम प्लस उसे हम बोल देते हैं कार्पल अब अगर पेटल्स और सेप्पल्स हैं उनको डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट है वो सेम है बिल्कुल तो उसको उस फ्लॉट को उसके कार्पल और सेप्पल को कलेक्टिवली हम बोल देते हैं पेरियंथ और जो ये स्टिक है जिससे अटैच होता है टू द ब्रांच उसे हमने बोला है पेडिसल तो ये था बेसिकली ऑल अबाउट एनजियोस्प्स अब इतना सारा कंटेंट है साइंस में और आ, काफी और भी है डोवेस्टिक के टॉपिक्स जिनको याद करना काफ़ी मुश्किल होता है इनके पास काफी इन टॉपिक्स में हमने काफ़ी सारे साइंटिफिक नेम्स देखे और काफी करेक्टर्स हैं जो कि हमें काफ़ी सिमिलर भी हैं और डिसिमिलर भी हैं जो याद करने काफ़ी मुश्किल होते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके लिए एक सिंपल रूल है टू प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक उसके लिए आप क्या कर सकते हैं उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेब पोर्टल पर विच इज अभ्यास ऑनलाइन डॉट इन वहाँ पर मिलेंगे आपको हर कन्सेप्ट के ऊपर वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन आप हर कंसेप्ट के ऊपर डिफरेंट टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं उन टेस्ट के अटैम्प करने के बाद आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिलती है जिससे आपको अपने वीक एरियाज पता लगते हैं अगर आप उन वीक एरियाज पर काम कर लेते हैं तो आपके कॉम्पिटिशन्स में स्कोर बढ़ना बिल्कुल सही होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके लिए आपको विजिट करनी होगी हमारे पोर्टल पर विच इज़ अभ्यास ऑनलाइन डॉट इन